देखिए ना, बच्चों के सामने भी चंद्रमा और चांद मामा को लेकर के बहुत पुरानी बचपन से वो कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब उनके पास ये खबर आई कि चंद्रयान 2 जिस तरह से विफल हो गया था लैंडिंग के दौरान, उसके बाद चंद्रयान 3 आया और ये जब वहाँ पर छोड़ा गया है वहाँ पर रॉकेट के जरिए, और जब आज वो लैंड करना है वहाँ पर, तो उसकी जानकारी बच्चों को हो गई थी और आज सुबह से ही ये बच्चे वेद ऋचा के पाठ में लग गए थे, ये शंखनाद कर रहे थे, ये भजन कीर्तन में जुट गए थे, ये मंत्र जाप करने लग गए कि आज जो है चंद्रयान 3 सफल हो जाए। क्योंकि सिर्फ ये एक बिहार की बात नहीं है, एक देश की बात नहीं है, ये तमाम भारतवासी की बात है, चाहे वो देश विदेश कहीं रह रहे हों उनके लिए ये गौरव का क्षण है कि जब 6:04 पर ये चंद्रयान 3 लैंड करेगा दक्षिणी पोल पर चंद्रमा के, तो उस समय के जो माहौल होंगे, उस समय जो भारतवासियों के लिए एक खुशी का जो क्षण होगा, वो हर आदमी ये चाहता है कि उस क्षण को अपने अंदर आत्मसात कर ले और उसको युग युगांतर तक याद करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भारत आज वो चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा तक पहुँचने की कोशिश की है, और ये पहला देश होगा जब दक्षिण ध्रुव पर, वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर आज उसका जो रोवर है वो वहाँ पर लैंड करेगा विक्रम, और उसके बाद वहाँ से सारी तस्वीरें जब यहाँ आपके सामने आएंगी और अंतरिक्ष विज्ञान के जो युग है उसमें भारत की एक अपनी पहल होगी, अपनी एक धमक होगी, जिससे पूरा विश्व ये समझ जाएगा कि भारत के पास सिर्फ मंत्र की शक्ति नहीं, उसके पास तंत्र की शक्ति नहीं, उसके पास वैज्ञानिक शक्ति भी है, और जिसके जरिए भारत ने पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया है। आना बिल्कुल प्रशांत, जैसा कि तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा गौरव का पल है हर एक भारतवासी के लिए। आपको बता दें कि बच्चे क्या, आमजन क्या, बूढ़े क्या, हर एक इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है इस पल को लेकर के। आज वहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनके अंदर कितना उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। प्रशांत ज़रा तस्वीर दिखाइए। देखिए अभी आज चूंकि पटना में सुबह से पटना का मौसम भी ख़राब है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आपको ये वेद जो पशुपति वेद विद्यालय है इसके अंदर के बच्चे अब दूसरी तरफ जा चुके हैं, और यहाँ पर ये सुबह से ही ये कार्यक्रम चल रहा था और ये कार्यक्रम अभी थोड़ी देर बाद फिर से शुरू होगा जब ये सारे बच्चे यहाँ बैठ जाएंगे, और लगभग उसके बाद जब यहाँ वो बैठेंगे तो 6:04 तक ये यहीं बैठे रहेंगे और यही मंत्र जाप उनका चलता रहेगा। जैसे ही 6:04 पर चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड करेगा, दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा, उसके बाद यहाँ पर आतिशबाजी का दौर शुरू हो जाएगा और सारे बच्चे उस खुशी के पल क्षण को अपने अंदर समेटने की कोशिश करेंगे, और लगातार ये बच्चे ये देखने की भी कोशिश में जुटे हुए हैं कि आखिर उस पल को कैसे देखें, कैसे उस पल के भागीदार बने, और इसको लेकर के तैयारियां कई जगहों पर पटना में की गई हैं, जिसमें BIT पटना है, जिसमें NIT पटना है, इसके अलावा श्री कृष्ण विज्ञान सेंटर है वहाँ भी इसके अरेंजमेंट किया गया है, और साथ में जो भी धार्मिक स्थल हैं जिसमें पटना का महावीर मंदिर है, पटना का शीतला मंदिर है, पटन देवी जो पटना की देवी हैं वहाँ भी पूजा अर्चना की जा रही है, और वहाँ की भी तस्वीरें यही हैं। सब लोग मन्नत मांग रहे हैं आज अपने अपने देवी से, अपने देवता से, अपने धर्म के जो उनके गुरु हैं उनसे, कि आज जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर उसकी सेफ लैंडिंग हो जाए, और वो जब सेफ लैंडिंग होगी उस क्षण के वो भागीदार बने, और उसको इसको लेकर के तमाम लोग अपने अपने TV से वो चिपके हुए हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि सबके मन में है, चाहे वो किसी धर्म का आदमी हो, किसी जात का आदमी हो, वो सबके मन में यह है कि आज भारत का जो जीतने का दिन है वो उस जीतने के दिन का वो उस पल के भागीदार बन जाए। आहना बिल्कुल प्रशांत जी, लेकिन एक बार जयपुर का भी रुख कर लेंगे, वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो धार्मिक तस्वीरें हर जगह से देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी ऐसी तस्वीरें, क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखा दे। हम इसी कामना के साथ में हम ये यज्ञ चालू रखेंगे 6 तक। बिल्कुल,
देखिए आहुतियाँ यहाँ पर दी जा रही है और ये आहुतियाँ शाम तक जारी रहेगी, जब तक चंद्रयान की सफल लैंडिंग नहीं होगी तब तक ये आहुतियाँ दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो रामधुनी और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा, हनुमान चालीसा का और रामधुनी का पाठ भी किया जाएगा, शाम 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा निरंतर। तो ये महायज्ञ में आहुतियाँ कब तक दी जाएगी? ये आहुतियाँ करीब 1 बजे तक तो हम आहुतियाँ देंगे, उसके बाद रामधुनी करेंगे, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे फिर पूरे लोग। क्या लगता है आपको देश के लिए कितना बड़ी सफलता होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाती है? बहुत बड़ी सफलता होगी और जब तक कि चंद्रयान आराम से लैंडिंग नहीं हो, हम पूरा रामधुनी भजन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी चंद्र यात्रा अच्छी हो, हमारे देश सफलतापूर्वक हो। बिल्कुल, सफलता के नए आयाम भारत स्थापित करे, पूरा देश स्थापित करे, इसीलिए ये जो यहाँ यज्ञ है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। और देखिए तमाम जो आरटीओ से यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सफलता के नए आयाम स्थापित कर सके, नया इतिहास भारत अपने दर्ज कर सके, इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो आज भगवान से प्रे कर रहे हैं, आहुतियाँ लगातार दे रहे हैं। और इसके साथ साथ कई मस्जिदों में, कई गिरजाघरों में भी कुछ इसी तरह के जो पाठ है, जो भगवान से प्रार्थना की जा रही है। और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री आवास पर बच्चों के साथ में आज चंद्रयान 3 की सफलता को देखेंगे। और इसके साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग आज हो सके और भारत एक नया इतिहास जो है वो दर्ज करा सके। जी तो वहीं चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के बॉलीवुड सितारों का क्या कुछ कहना है, आइए जरा आपको सुनाते हैं। अभी मैं अपने घर पे पूजा कर रहा हूँ और भगवान जी सामने हैं, ये देखिए ये मेरा मंदिर है और ये पूजा आज की जो है ये चंद्रयान की सेफ लैंडिंग के लिए है। और मैं सभी भारतवासियों को अभी से ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आज 6:04 पर भारत इतिहास रचेगा और हमारा जो चंद्रयान 3 है वो मून पर के साउथ उस तरफ लैंड करेगा, क्योंकि भगवान जी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि शिव जी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय ऐसा चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता ऐसा चाहते हैं। और 140 करोड़ हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय और ना जाने कितने करोड़ भारतीय जो हैं वो विश्व में रहने वाले सबकी प्रार्थना है और ये प्रार्थना भगवान तक पहुँचेगी और चंद्रयान लैंड करेगा। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री गणेशाय नमः, सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचनी वेशरूपी वेशवला की विद्यादि मदी सरस्वती शारदा च मुखे दाता सरस्वते नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य। जय। इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया एंड अ ग्रेट अ प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन, द काइंड ऑफ यू नो यू फील दैट प्राइड इन योर हार्ट एंड एज एन इंडियन ऑल ऑफ अस आई थिंक राइट नाउ We're waiting to watch it. A lot of people are going to be glued watching it. तो प्रशांत जी देखिए कुछ जो बातें हैं वो सेलिब्रिटीज ने भी कही है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे धार्मिक सीमाओं को पार करके ये जो मंदिर की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मंदिरों से नहीं, सुबह देखा हमने भी कि नमाज की तस्वीरें आई थी, गुरुद्वारे से भी तस्वीरें आई थी, चर्च से भी ऐसी तस्वीरें आई थी कि सिर्फ एक सेफ लैंडिंग हो जाए इसकी जो प्रार्थनाएं हैं ये सिर्फ मंदिरों में हवन पूजन नहीं, ये तमाम जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर किया जा रहा है। आना ये सवाल मुझसे है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, आना समझिए ये धार्मिक चीज नहीं है, ये जितने धर्म के लोग हैं, चाहे वो इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सिख से जुड़े हुए लोग हैं। पटना, चूंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये सिखों के लिए भी बहुत ही पवित्र स्थान है पटना सिटी, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है, और वहाँ पर भी आज अरदास की गई है, वहाँ पर भी आज मन्नत मांगी गई है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाए। साथ में
जो मस्जिदों से आज जो नमाज अदा की गई है उसमें भी ये कहा गया है कि वो चाहते हैं कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाए। अब समझ